सोनीपत CIA पुलिस ने दो मोस्ट वांटेड आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है और दूसरा आरोपी सही सलामत पकड़ा गया है। जिन पर आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने का आरोप है, आप देख सकते हैं कि इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मोस्ट वांटेड अपराधी अर्जुन उर्फ काला है और इसका एक अन्य साथी कुणाल, जिसके पैर में गोली लगी है, उसे उपचार के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है। में एक बदमाश घायल हुआ है, कौन है और एक पकड़ा गया है, कहाँ के रहने वाले दोनों? CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर की नेतृत्व में एक सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत इनके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसके ऊपर काम करते हुए इन्होंने अनुज उर्फ काला और कुणाल पुत्र विजय, इन जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी, इनके बारे में इन्होंने नाकाबंदी करवाई और जब इनको रोकने का वहाँ पे प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर जो कुणाल पुत्र विजय नाम का एक हार्डकोर क्रिमिनल है, उसकी टांग में गोली लगी। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।